नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी कई बार सख्त हिदायत दे दी है कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को भी कई बार सख्त हिदायतें दे चुके हैं कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को लेकर सख्त रुख अपनाई हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है जिनके खिलाफ तमाम आरोपों की जांच शुरू की जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि सीएम धामी को शिकायत मिली थी कि कई विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों के आरोप हैं, लेकिन जांच अधिकारी इसमें तेजी नहीं ला रहे जिसके चलते अधिकारियों की जांच से लंबित पड़ी हुई है। इस मामले पर पहले भी सीएम धामी अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं और अधिकारियों को कई बार हिदायत और चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार सीएम धामी ने गोलमाल करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है जिससे अधिकारियों में भी हड़कंप मचा है। कुछ अधिकारियों की फाइल आपने इस वक्त मंगाई है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। देखिए, देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं, एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सचिव शैलेश बगोली से ऐसे सभी अधिकारियों की जानकारी मांगी है जिन पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जांच लंबित है। अब सचिव सीएम शैलेश बगोली ने सभी अपर मुख्य सचिवों से लेकर प्रभारी सचिवों को अपने विभाग के अधीन ऐसे अधिकारियों को रिपोर्ट मांगी है जिनके खिलाफ लंबे समय से प्रशासनिक जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई। बता दें कि उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ महीनों में भ्रष्ट और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर एक बड़ा संदेश दे चुकी है जिसमें उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर सिंह बवेजा, रेलवे स्टेशन में कर चोरी का मामला और देहरादून के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों में हेरफेर मामले पर सरकार सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की। ऐसे में अब सरकार भ्रष्ट और अनियमितता के मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है जिसके चलते भ्रष्ट अफसरों का ब्यौरा तलब किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम धामी ने सतर्कता विभाग को आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति दी थी। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी के तमाम एक्शन इस बात का सबूत है कि सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। वहीं एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करके भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को भी कई बार सख्त हिदायत दे चुके हैं कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त अगर पाया जाता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली धामी सरकार भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को लेकर सख्त रुख अपनाई हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा भी मांगा है जिनके खिलाफ तमाम आरोपों की जांच लंबित है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम धामी को शिकायत मिली थी कि कई विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अन्य लापरवाहियों की जाँच चल रही है, लेकिन जाँच अधिकारी इसमें तेजी नहीं ला रहे हैं जिसके चलते अधिकारियों की जांच से लंबित पड़ी हुई है। इस मामले पर पहले भी सीएम धामी अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं और अधिकारियों को कई बार हिदायत और चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार सीएम धामी ने गोलमोल करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है जिससे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए हैं। मजहर नईम नवाब जी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से उत्तराखंड से हैं। साथ ही गणेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर मयंक भट्ट जी हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस उत्तराखंड से। आप तीनों मेहमानों का एनवी न्यूज़ पर स्वागत है। सबसे पहले भट्ट जी, आप ही का रुख करेंगे, जो धामी सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, अभी जुम्मा कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के ऊपर अखबारों में और मीडिया के माध्यम से कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार को नहीं सहन किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस आदि आदि। तो अगर सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से काम करने की बात करती तो सरकार को सबसे पहले अपनी ही जांच करानी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, आज से नहीं बस 6 वर्ष पूर्व 2017 से जब से ये सरकार बनी है, तब से इस सरकार ने सरकारी धन के दुरुपयोग, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग और जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, बुनियादी विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो चलती हुई योजनाओं को रोककर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का काम किया और जो 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 योजनाएं जो विकास टीम थी उनको रोककर सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार है और जो अपराधी है वो यहाँ की सरकार है। अब लेकिन क्योंकि सरकार जो है अपने आप में सब कुछ होती है तो सरकार अपने गिरेबान पे तो झांक नहीं रही है। अब रही बात जो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो देखिए अभी जुम्मा 2-3 महीने पहले की बात है कि इतना बड़ा भर्ती घोटाला इस प्रदेश में हुआ और जिससे इस प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, लाखों युवा प्रभावित हुए, उनके परिवार प्रभावित हुए और युवाओं ने मांग करी कि सीबीआई की जांच हो, तो सरकार ने क्या सीबीआई की जांच करवाई? तो सरकार की नीयत पे तो यही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या सीबीआई की जांच करवाई? तो सबसे बड़ी जांच एजेंसी को आप नकार दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप छोटी छोटी मुद्दों पर सीबीआई ईडी की जांच करा रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दों पर आप सीबीआई की जांच को नकार दे रहे हैं, जो जांच के बिंदु उनको परिवर्तित कर देने, तो सरकार की नीयत पे तो यही सवालिया निशान लग जाता है। और रही बात इन बातों की कि अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं सहन किया जाएगा, तो ये चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में तमाम ईमानदारी की बातें भी होंगी और तमाम जो है लोक लुभावनी बातें भी होंगी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो है तमाम वादे भी किए जाएंगे, तो ये मौसम ही है इस तरह की बातों करने का। तो इसमें जो ना कांग्रेस पार्टी को विश्वास है ना इस प्रदेश के आम जनमानस को विश्वास है, सरकार अपने गिरेबान पर देखे जो अरबों रुपए सरकार ने जो चलती योजनाओं को बंद करा के जो पैसा बर्बाद किया, जो यहाँ की ISBT जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा था, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, तो इसकी तमाम जो यहाँ की कुमाऊं मंडल की जो महत्वपूर्ण रिंग रोड की योजना थी, तो ये सब चीजें जो जो योजनाएं चलती योजनाएं बंद हुई, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? बिल्कुल सरकार पहले भट्ट जी वापस आएंगे, जवाब लेते हैं बीजेपी से। नवाब जी जुड़े हुए हैं। नवाब जी, गंभीर आरोप लगे हैं सरकार पर, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था हमारी सरकार की तरफ, उस पर कांग्रेस का रुख कुछ अलग ही है। उनका कहना है कि पहले अपनी जांच कराएं। नवाब जी, हाँ, वैसे तो माननीय हमारे कांग्रेस के जो हमारे भट्टी बैठे हैं जी, ये पहले के पूर्व में जब 2017 से पहले इनकी सरकार थी जी, लगातार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थी जी। 10 साल केंद्र में जो इनकी सरकार चली है, सैकड़ों घोटाले इनकी सरकार ने किए, 2G घोटाला और खनन घोटाला से लेकर के, और कितने घोटाले जिनकी जांच आज CBI और NIA कर रही है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त रही, पूर्व सरकार इनकी हरीश रावत जी आज कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, CBI के चक्कर काट रहे हैं अपने भ्रष्टाचार सरकार के, आज कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि धामी सरकार लगातार जो जिस तरीके से विकास का काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों को जो कांग्रेस की सरकार में किए गए भ्रष्टाचार, चाहे वो नकल से संबंधित हो या नौकरियों से संबंधित हो, उनको जेल भेजने का काम भ्रष्टाचारियों को अगर किया है तो वो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया है। आज विजिलेंस, LIU जिस तरीके से हमारी एजेंसी काम कर रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रही है, लगभग 150 लोगों को अब तक अधिकारियों को हम जेल भेज चुके हैं। अगर इनकी सरकार ईमानदार थी, 5 साल पूर्व में इनकी सरकार चली थी और कांग्रेस की
केंद्र में 10 साल सरकार चली मनमोहन सिंह जी की, एक भी किसी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजा हो तो बताएं। आज इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट तो चुनाव में जनता देगी। 2022 के चुनाव में उत्तराखंड को फुल बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इनको बाहर का रास्ता जिस तरीके से जनता ने दिखाया है, इसी तरीके से ये सर्टिफिकेट 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी और पूरी तरीके से बहुमत से सरकार बनेगी, ये हमारा मानना है। और उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की नियत साफ है और साफ नियत से काम करने वाले व्यक्ति के साथ आम जनता है, इसको जनता देख रही है। हमने जितने विकास के काम किए बड़े बड़े, चाहे आज बद्रीनाथ केदारनाथ हरिद्वार हाईवे आप देखिए, दिल्ली से लेकर के देहरादून तक 4 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिस तरीके से भारत की छवि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बनी है, देश उसको स्वीकार कर रहा है और देश फुल बहुमत की सरकार बनाएगा। इनको कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उस दल से आते हैं जिनके दल के मुखिया को सजा होती है और जिनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं आज सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के घेरे में है। बिल्कुल भट्ट जी जवाब लेंगे आपसे, उससे पहले गणेश पाठक जी का रुख करते हैं। गणेश पाठक जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल गणेश पाठक जी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नए अवतार में नजर आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन में ही नजर आते हैं, आप चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या कोई भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सख्त कदम उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का रुख कुछ अलग ही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले वो अपनी जाँच कराएं उसके बाद भ्रष्टाचार पर नजर कसें, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए संदीप जी, इसमें बारिश का मौसम है, सावन का महीना है और सावन के महीने में तमाम नदी नाले और नदियां जो है उफान पर हैं। ठीक इसी तरह से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जो करप्शन है वो उफान पर है जी। पहली बात यह है, इसमें किसी दली आरोप की बात नहीं है जी जी। ये ठीक है कि पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो करप्शन को रोकने के लिए वो बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, उससे पहले 2007 में खल्लूरी जी ने दिया था और गाये बजाये नरेंद्र तिवारी भी कहते थे कि करप्शन को खत्म किया जाए। करप्शन हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश में एक घुन की तरह से लगा हुआ है। ये किसी दली आरोप नहीं है, मेरा बीजेपी पर आरोप नहीं है, कांग्रेस पर आरोप नहीं है, जो हम लोगों का की मनस्थित हो गई है, जो अधिकारियों की कर्मचारियों की जो नियत हो गई है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है, गंभीर इश्यू है, उस पर मंथन करने की जरूरत है। वो आरोप प्रत्यारोप डेवलपमेंट के साथ जोड़ने या न जोड़ने या बिल्कुल गणेश पाठक जी वापस आएंगे, पूरा जवाब लेंगे आपसे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, गणेश पाठक जी अपनी बात पूरी करिए। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए आपने देखा होगा कि एनएस का घोटाला आया, चूतिया घोटाला आया, समाज कल्याण का बहुत बड़ा घोटाला आया, उसमें सीबीआई उसमें जो है एसआईटी गठित की गई है। मतलब जो आप घोटालों की फहरिस्त अगर यहाँ उत्तराखंड में आप देखेंगे तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इसमें किसी दली आरोप की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, जो बुनियादी चीजें हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब जो है करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको करप्शन को रोकना है तो आपको नीति बनानी होगी, ये बिल्कुल मतलब अगर कोई करप्शन अगर कर रहा है तो उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान की जरूरत है। जो अभी प्रावधान है उन प्रावधानों के आधार पर या उसको कड़ाई से लागू करना होगा, लेकिन लागू नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर सपोज करिए अगर करप्शन अगर नहीं है तो फिर विजिलेंस की जरूरत कहाँ पे है, फिर तो विजिलेंस की जरूरत है ही नहीं। लेकिन करप्शन का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है। आप देखिए सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा करप्शन है,
तमाम चीजें ऑनलाइन होने के बावजूद भी आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज तो दफ्तर में करप्शन नहीं है जी। आबकारी नीति होने साफ समस्त नीति होने के बाद भी कोई ये नहीं कह सकता कि आबकारी में घोटाला नहीं है या आबकारी में सब कुछ साफ चल रहा है जी। खनन का सेक्टर कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ करप्शन है, नहीं है। सारे सेक्टर ऐसे हैं, चाहे उत्पादन सेक्टर हो चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो, सारे सेक्टरों में करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये जिस तरह से इसलिए मैंने आपको कहा कि जो बारिश का मौसम है और जो तमाम पानी आ रहा है, नदियां लबालब भरी हुई है और उफान पर आ रही है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी करप्शन बहुत उफान पर है। इसको रोकने के लिए जो मैं मयंक जी को भी सुन रहा था और मजर नईम साहब को भी सुन रहा था, ये ठीक है, यदि आरोप लगाने की ये आपस में लगा सकते हैं, लेकिन करप्शन के मुद्दे को, करप्शन को अगर खत्म करना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, खासकर कांग्रेस और बीजेपी का ये दायित्व बनता है, ये उनका धर्म है कि वो एक जनता और लोगों को मोटिवेट करें। एक बड़े आंदोलन की जरूरत है करप्शन को खत्म करने के लिए। बिल्कुल नवाब जी, अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार जी को सुना होगा, उनका कहना कि भ्रष्टाचार जैसे नदियों में उफान आ रहा है, इसे उत्तराखंड में भ्रष्टाचार फैल रहा है, और आप अभी गिना रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इतना सारा भ्रष्टाचार बताया वरिष्ठ पत्रकार जी ने, भी आपने भी सुना होगा अभी। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार नहीं, आपने जिस तरीके से जी आपने कांग्रेस पे सिर्फ आरोप लगाए थे ना कि हरीश रावत के ऊपर केस चल रहा है, कांग्रेस सरकार में तो चरम सीमा पर था, और जब उनके उनके मुखिया ही भ्रष्टाचार में फंसे हो, आरोप लगाओ जी, तो वो सरकार क्या भ्रष्टाचार खत्म कर सकती थी। आज पुष्कर सिंह धामी तो स्वच्छ छवि के हैं, उन पर कोई आरोप तो ये लगा नहीं पा रहा है जी। अगर इनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में या मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया गया हो, हमारी सरकार पर कोई भी आरोप नहीं है जी। और हमारी देखिए भ्रष्टाचार जो जड़ से है, जो दीमक होती इस तरीके से, अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार रहा होगा और वो कांग्रेस के जमाने से रहा होगा, उसको धीरे धीरे जिस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 150 लोगों को जेल में भेजा है, लगातार हमारे पास शिकायतें आती हैं, उसकी हम एक न्यायिक जांच कराते हैं जी। और न्यायिक जांच करा करके उसमें दोषी को जेल भेजते हैं, बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर ये काम 5 साल इन्होंने भी किया होता तो आज भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर, जो हम बंद कर रहे हैं, जो हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जो हम भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं जी, खुले मन से और खुले दिमाग से, ये ताकतवर सरकार की पहचान है कि वो भ्रष्टाचार पर चोट करके जेल भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रही जी। किसी के साथ जो है बिल्कुल किसी प्रकार का भी जो है रियायत नहीं हो रही है जी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है इस प्रदेश में तो पुष्कर सिंह धामी उसके साथ रियायत नहीं करते हैं, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बिल्कुल, इतना मन साफ करके अगर कोई सरकार काम कर रही है तो विपक्ष को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म होगा। नवाब जी, भट्ट जी जुड़े हुए हैं, भट्ट जी, जब सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आप सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी छवि अलग ही है, अच्छी छवि है, आप कितने भी आरोप लगाएं लेकिन आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए अग्रवाल जी, मैं एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, दलीय भावना से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ भट्ट जी। हाँ, स्टूडियो से संदीप तिवारी जी, स्टूडियो से संदीप तिवारी जी हैं, स्टूडियो से संदीप तिवारी जी, भट्ट जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ सर, तिवारी जी हैं जी। हाँ तिवारी जी, देखिए मैं एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, दलीय भावना से ऊपर उठकर कहना चाहता हूँ कि देखिए यदि सरकार वाकई ईमानदारी से भ्रष्टाचार या प्रदेश के विकास के लिए अगर कोई काम कर रही है जी, तो सरकार को हमेशा हम उनके बगल में, उनके पीछे इन कार्यों के समर्थन में खड़े हुए मिलेंगे जी। लेकिन यदि सरकार पदनीति से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने की बात करेगी, यदि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की अगर गुमराह करने की बात करेगी, तो देखिए ये विपक्ष का काम है कि वो अब हम सड़क से लेके सदन तक इन सरकार के इन कदमों का हर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जी। आप एक बात बताइए, भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, मैं आपको बताता हूँ तिवारी जी, आप देखिएगा कि हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, जो हल्द्वानी के विकास के लिए यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या है उसको कम करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके लिए 80 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार में
निर्गत हो चुके थे और काम शुरू हो चुका था जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो योजना केवल इसलिए रोक दी गई क्योंकि अगर वो योजना पूर्ण हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर था कि कांग्रेस के नेताओं का नाम हो जाए, केवल इस वजह से। तो देखिए, सरकारें आती और जाती है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, योजनाएं होती हैं, विकास के लिए चलाई हुई योजनाएं होती हैं, अगर उनको चलती हुई योजनाओं को जिसमें करोड़ों रुपए लग चुका है, अगर वो योजनाएं बंद करा दी जाएंगी तो आप ये बताइए उतना पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए जो बर्बाद हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये अपराध नहीं है? इसकी जाँच कौन करेगा? केवल ये है कि सरकार बहुत ताकतवर होती है और सरकार खुद जांच एजेंसी नियुक्त करके सरकार जांच एजेंसी से भी ऊपर होती है, तो क्या सरकार अपराधी नहीं है? तो मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि अगर सरकार ईमानदार है तो सबसे पहले अपनी जांच कराए। आज सरकार जो है, चाहे नीतिगत मामला हो चाहे लोगों के व्यक्तिगत मामला हो, ये सरकार हर तरीके से फेल हो चुकी है। मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ। नवाब जी आते हैं, नवाब जी जवाब लेते हैं आपसे, नवाब जी जवाब लेते हैं अभी। संदीप जी, मैं इसकी जोड़ना चाह रहा था। जी जी हाँ, ये मतलब थोड़ा सा मेरे नवाब जी से ये पूछ लीजिएगा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो लोकायुक्त क्यों नहीं तय किए गए हैं? लोकायुक्त का पूरा कार्यालय, सारी कर्मचारी अधिकारी खाली अपनी मतलब सह भी पा रहे हैं, वो काम कुछ नहीं हो रहा है लोकायुक्त का। सही बात, सही बात। तो देखिए, तो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जिन मुद्दों पर सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराकर सरकार के पास ये मौका था जो अपने आप को ईमानदार साबित करती, सरकार के पास ये मौका था कि वो जनता में संदेश देती हाँ भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो उन मौकों पर सरकार ने इन मुद्दों को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भट जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो है चुनावी मौसम है और ये खाली चुनावी लाभ लेने के लिए सबकी राजनीतिक लोकप्रियता है वो हासिल करने के लिए ये समझते है कि जनमानस जो है कुछ नहीं देख रहा है, जनमानस सब कुछ देख रहा है, जनमानस हर तरह का विश्लेषण कर रहा है, आने वाले चुनावों में इनको इसके जो परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। चलिए भट्टी, जवाब ले लेते हैं नवाब साहब से। नवाब साहब जवाब दे दीजिए आप। जी बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के लिए 80 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था जी। पहले तो इनकी जानकारी गलत है, ये जगह चिन्हित करके और 1 करोड़ रुपया उसके सर्वे के लिए, उस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए जी, मात्र सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का जो उस जमीन को समतल करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे के लिए पैसा नहीं दिया था और वो ऐसी जगह पर था नदी के तट किनारे बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, और शहर के बीचों बीच नहीं था, वो एक किनारे पर जो है बस अड्डा था। तब के आवश्यकता है शहर के बीचों बीच जो संपर्क मार्गों से, अंतरराष्ट्रीय जो संपर्क मार्ग है, रामपुर रोड है, बरेली रोड है, कालाडूंगी रोड है, इसके बीचों बीच अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे की आवश्यकता है जी। जिसका सर्वे अभी 3 पानी पर हुआ है और जल्दी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन ये योजना को सिर्फ चुनावी, जब चुनावी बिगुल बजा था उस समय हरीश रावत इंदिरा एड्रेस ने इसका उद्घाटन जबरदस्ती कर दिया, तब के जमीन तक भी ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हो पाई थी, वहां कब्रें थी जो लोग के नाम है किसी जमाने में दफन करते होंगे बच्चों को, वहां कब्रें बनी हुई थी, बहुत सारी कब्रें निकली, वहां शहर में दहलका मच गया जी। और विरोध था उसका, आम जनता में विरोध था जिसके कारण से उसको नहीं बनाया सरकार ने, उसमें भ्रष्टाचार कौन सा हो गया कि उस पैसे को क्या सरकार खा गई? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भ्रष्टाचार सरकार ने करा है तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी से लिख करके भ्रष्टाचार के नाम और पूरी बना करके दीजिए, उसकी जांच हो जाएगी जी स्वतंत्र तरीके से। लेकिन किसी पर आरोप लगाने से, किसी टीवी चैनल पर बैठ करके आप कह दें कि सरकार भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल बिल्कुल। नवाब साहब वापस आएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।